हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोटॉन द केमिस्ट्री क्लास। मेरा नाम है अजय दहिया और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर है जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं होमवर्क डिस्कशन करेंगे बेसिकली जो आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए 25 एग्जाम्पल दिए थे। आई होप आप लोगों ने उसको सॉल्व कर लिया होगा क्योंकि हमारे लेक्चर के अंदर बहुत ज़्यादा गैप आ चुका है। बीच में कुछ हमने एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करे थे तो उस वजह से कुछ गैप आ चुका है, तो मेरे हिसाब से आपने इतने गैप के अंदर बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे और नहीं करे हैं तो आपको करना चाहिए। अब आप लोग चेक करना कि आपके कितने आंसर सही है और कितने आंसर गलत हैं। सारे क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। मैं सारे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ नहीं करके बताऊंगा, जो अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं हम सिर्फ उन्हीं को ड्रॉ करेंगे। और जब नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स ज़्यादा हो जाती है तो हम कौन सा मेथड यूज़ कर सकते हैं हम वो भी देखेंगे, क्लियर है। तो हमारे पास में डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स होते हैं, जैसे पहला जो मेथड होता है वो होता है कि हम स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करें। अब क्योंकि हमें पता है कि अगर हमारे पास में नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स 15, 20 प्लस चले जाते तो ऑब्वियसली बात है कि 20 स्ट्रक्चर्स को एग्ज़ाम में ड्रॉ करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। सो हमारे पास कुछ ऐसे तरीके होते हैं जिन तरीक़ों को यूज़ करके हम डायरेक्ट जो है वो आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं, सही है। सो स्टार्ट करते हैं। तो कुछ जो स्टार्टिंग वाले जो स्ट्रक्चर्स दे रखी थी वो तो बहुत ही बेसिक है, मेरे हिसाब से आपको उसमें करने की कुछ ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, कुछ अच्छे एग्जांपल्स भी हैं तो वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं और एक सिंपल सा एग्जांपल से हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है, डिस्कशन अपना स्टार्ट करते हैं। तो मेरे हिसाब से इसमें वैसे तो किसी को डाउट नहीं आना चाहिए बट फिर भी मैं इसको डिस्कस कर देता हूँ, सही है। और फिर भी अगर बाई चांस आपको लगे कि डिस्क्रिप्शन में जो आंसर दिए हैं वो आपके आंसर से मैच नहीं हो रहे, सो बिल्कुल भी आप लोग को ऐसा टेंशन नहीं लेनी है कि हमारे तो आंसर मैच ही नहीं हो रहे हैं और फिर हम कहाँ वेरीफाई करेंगे इनको। सो आप मुझसे व्हाट्सएप पर कनेक्ट हो सकते हैं, वहाँ से आप जो है अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं, सही। कुछ मिस्टेक अगर आपने करी है तो उसको हम लोग चेक कर सकते हैं। सो देखिए ध्यान से, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था ये वाला, यहाँ Cl था और यहाँ डबल बॉन्ड था और इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ करवाई थी, हमने AlCl3 के साथ करवाई थी। AlCl3 आपको पता है कि यहाँ पे क्या करेगा, ये रिएक्शन करेगा एंड AlCl3 यहाँ से रिएक्शन करके कुछ ऐसा आपको कंपाउंड बना के देगा। इस पे आ चुका होगा पॉजिटिव चार्ज एंड प्लस साथ में AlCl4 माइनस जो है वो बन चुका होगा। हमें इस प्रोडक्ट का RS बनाना, तो बहुत ही क्लियर है मेरे हिसाब से इस प्रोडक्ट का RS किस तरीके से बनेगा। सो देखिए ध्यान से, अगर मुझे इस प्रोडक्ट का RS बनाना है, सो ये है पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड यहाँ मूव करेगा, सो ये पॉजिटिव। आप सोच के देखो कि अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ मूव कर रहा है तो पॉजिटिव यहाँ क्रिएट हो चुका होगा, है ना। सो अगला जो पॉजिटिव आएगा वो कुछ यहाँ पॉजिटिव आएगा और यहाँ डबल बॉन्ड बन चुका होगा। ये जो डबल बॉन्ड है ये वापस यहाँ मूव करेगा तो ये सेम स्ट्रक्चर आ जाएगी, सही है। तो आप देखें ध्यान से कि इस डबल बॉन्ड को अब यहाँ मूव करवाना है, जैसे ये यहाँ मूव करेगा सो पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो अगला कुछ इस तरीके से यहाँ दिखेगा। तो आपको ये क्लियरली दिख रहा होगा और वापस से जब आप इसको मूव करवाएंगे कि ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ मूव करेगा एंड फाइनली आपको ये देखने को मिलेगा कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ चुका है। अब सुनना ध्यान से, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसीलिए मैंने डिस्कस किया है। यहाँ पे अगर हम बात करें नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स की, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की, सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, मिस्टेक हो सकती है। पहली मिस्टेक तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि इसके अंदर कैसे बॉन्ड का रोटेशन आपको देखना है। एक्चुअली बताया था बॉन्ड रोटेट नहीं करेंगे बट समझने के लिए, स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करने के लिए हम यहाँ पे बॉन्ड इस तरीके से एरो बनाएंगे, सही है। सेकेंड पॉइंट अगर हम इसमें डिस्कस करें तो पॉजिटिव चार्ज हर एक कार्बन पर आएगा जो कि इसके रिंग के अंदर है, समझ में आया। सो एक हम लोग ये कंसिडर कर सकते हैं। दूसरा ध्यान से देखो कि फर्स्ट वाली स्ट्रक्चर एंड फोर्थ वाली स्ट्रक्चर जो है ये दोनों सिमिलर स्ट्रक्चर है। जब एग्जैक्ट सिमिलर स्ट्रक्चर आती है सो इन टाइप ऑफ RS को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट RS। क्या बोलते हैं हम इनको, क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट RS, यानी कि ये वाली और ये वाली। और अगर ये इक्विवेलेंट RS है और ये सिमिलर सी RS है तो हम इसको एक ही काउंट करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि ये और ये जो है वो अलग अलग है। तो अब अगर आपसे बात करी जाए कि टोटल नंबर ऑफ RS कितना होगा, सो टोटल नंबर ऑफ RS इसका आंसर जो आएगा, टोटल RS वो कितना आएगा, वो 3 आएगा, क्लियर है। सो टोटल नंबर ऑफ RS आपको क्लियर होना चाहिए मेरे हिसाब से। टोटल नंबर ऑफ RS 1, 2 और 3, हर एक कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आपको देखने को मिल रहा होगा। और हाइब्रिड अगर आपको बनाना है सो बहुत ही सिंपल सा है, हर एक कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज है सो पॉजिटिव का डेल्टा बाई 3 पर कार्बन आ जाएगा
एंड अगर हम बात करें कि जो चार्ज जो बॉन्ड है वो पूरे रिंग के अंदर इस तरीके से घूमता हुआ रहेगा, सही है। सो यहाँ आ जाएगा प्लस का डेल्टा बाई थ्री, प्लस का डेल्टा बाई थ्री एंड प्लस का डेल्टा बाई थ्री। सो एक तो क्वेश्चन हमारे पास में ये था, मेरे हिसाब से आपने कर लिया होगा, सही है। इसी तरीके से और थोड़ा सा आवाज़ में अगर डिस्टर्बेंस हो रहा हो, सो गला अभी बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं अभी तक सही नहीं हुआ है, सही है, इसी वजह से रेगुलर वीडियोस नहीं आते हैं इतने ज़्यादा। कोशिश रहेगी जल्दी से सही हो जाए और हम अच्छे से वीडियोस बना पाएँ। सेकंड जो है वो देखें ध्यान से, सेकंड में हम लोग अगर देखें कुछ एक और क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन आपको दिया गया, मैं इसका आंसर बता रहा हूँ आपको, आप मैच करना, इसी पैटर्न से आप इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है, इसी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। किस तरीके का होगा वो ध्यान से देखें आप। आपको एक सात कार्बन का इस तरीके से कंपाउंड दिया गया था और यहाँ डबल और यहाँ डबल था, यहाँ Cl था। इससे अगर आप AlCl3 की रिएक्शन कराओगे, सो AlCl3 यहाँ से रिएक्शन करके आपको क्लियरली होना दिखना चाहिए कि यहाँ पे कुछ ऐसा सा कार्बोकेटाइन बनेगा और इसकी जो RS बनेगी वो टोटल कितनी बनेगी, वो सात बनेगी। इसमें भी सेम ऐसा ही दिखेगा कि जो फर्स्ट वाली स्ट्रक्चर होगी वो लास्ट वाली स्ट्रक्चर के सिमिलर होगी, तो आपको लगेगा कि एट आंसर आना चाहिए, बट एट आंसर नहीं आएगा, उसको एक बार ही काउंट करना है। सो टोटल नंबर ऑफ RS सेवन, तो ये जस्ट सिमिलर है। तो सिमिलर टाइप के एग्जांपल मैं बार बार डिस्कस नहीं करूँगा, अदरवाइज ये बहुत लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा और पूरा वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, सही है क्या, मेरी बात समझ में आ रहा है। चलो थर्ड एग्जांपल हम लोग डिस्कस करते हैं, यहाँ मेरे हिसाब से हो जाएगा। थर्ड एग्जाम्पल बहुत ही बेसिक है, फिनॉल का एग्जाम्पल हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। फिनॉल की रिएक्शन हमने किसके साथ कराई थी, NaOH के साथ कराई थी, और एसिड बेस रिएक्शन से आपको पता है एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। अब ध्यान से देखना, हालांकि ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है इतना ज़्यादा, बट फिर भी हम लोग इसको ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ डबल और यहाँ डबल रहेगा। मुझे अगर इसकी रिएक्शन NaOH के साथ करानी है, ध्यान से सुनते रहना आप लोग, तो बस मुझे अगर इसकी रिएक्शन NaOH के साथ करानी है तो बहुत सिंपल सा तरीका है कि यहाँ O पे कौन सा चार्ज आएगा बताओ, नेगेटिव चार्ज, एंड इसके साथ कौन कनेक्टेड होगा, Na+। मुझे इस कंपाउंड की क्या बनानी है, मुझे इस कंपाउंड का RS बनाना है। सो बहुत ही सिंपल है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखना। अगर मैं यहाँ देखूँ ध्यान से, O पे माइनस चार्ज है एंड यहाँ डबल और यहाँ डबल और यहाँ डबल, सही है। एंड अगर मैं यहाँ पे देखूँ ध्यान से कि ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, सो यहाँ पाई बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से ये यहाँ पे पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, सो अगली जो स्ट्रक्चर बनेगी वो अगली स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आएगी। अब की बार डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाएगा, यहाँ पे माइनस चार्ज बनेगा, यहाँ डबल और यहाँ डबल आ जाएगा। फिर से ये नेगेटिव अगर यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, सो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे टूट के नेगेटिव का फॉर्मेशन करेगा, एंड सेकेंड अगला जो स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा, डबल बॉन्ड हो, फिर यहाँ डबल, फिर यहाँ डबल, फिर यहाँ माइनस, करेक्ट है, बहुत बढ़िया। फिर अगर हम इसमें देखें कि ये वाला जो माइनस है ये यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा, एंड फाइनली ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, एंड अगली जो स्ट्रक्चर बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी कि यहाँ माइनस, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ डबल और यहाँ डबल, सही है। एंड फिर से आपको क्लियर है कि ये नेगेटिव यहाँ पाई बॉन्ड बनाएगा और ये पाई बॉन्ड यहाँ से मूव करेगा, एंड जो अगली स्ट्रक्चर बनेगी वो कुछ ऐसे बनेगी। मैं इसको थोड़ा नीचे बना देता हूँ क्योंकि वैसे भी नीचे वाली जगह अब काम आने वाली नहीं है हमारे, सो मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक दिख जाएगा। O पे माइनस चार्ज आ जाएगा और ये इस तरीके से आ जाएगा। अब ध्यान रखना क्या मिस्टेक कर सकते हो, आप मिस्टेक ये कर सकते हो जल्दबाजी के अंदर, सर देखो यहाँ पे भी तो ऐसा ही हो रहा है, यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है, तो फर्स्ट वाली स्ट्रक्चर लास्ट वाली स्ट्रक्चर के बराबर है, ये गलती नहीं करनी है आपको। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखें यहाँ बेंजीन का अरेंजमेंट अलग है। मैंने आपको बताया था शायद, अगर आपने शॉर्ट्स देख रखे हो, नहीं देख रहे हो तो इतना तो क्लियर होना चाहिए कि बेंजीन की कम से कम दो RS बनती है, और मैंने आपको बता भी रखा है बेंजीन का RS जो है कैसे ड्रॉ करा जाता है, पूरा ऑर्बिटल डायग्राम के अकॉर्डिंग बताया है, बेंजीन के दो RS होते हैं। तो देखें ध्यान से, दोनों अरेंजमेंट आपको देखने को मिल रहे हैं, सही है। सो मैं अगर आपको इस क्वेश्चन का ये मतलब आंसर पूछता कि किस तरीके से इसको, अगर ऑक्सीजन नेगेटिव, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज हो तब RS कितनी बन सकती है, तो सिर्फ दो ही RS बनेगी जब ऑक्सीजन पर नेगेटिव हो। ऐसी कितनी RS होगी जब ऑक्सीजन पर नेगेटिव ना हो, ऑक्सीजन डबली बॉन्डेड हो, तो हमारे पास में आंसर है तीन। सो टोटल नंबर ऑफ RS क्या आंसर आएगा, टोटल नंबर ऑफ RS हमारे पास में आंसर आएगा फाइव, सही है। टोटल RS आ जाएगा हमारे पास, बताओ कितना, फाइव आंसर आ जाएगा, करेक्ट है। सो मेरे हिसाब से आप लोग बना सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सही है क्या। चलो अगला एग्जांपल हम लोग देखते हैं। अच्छा, इसको एक छोटे से तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, बहुत ही सिंपल सा तरीका, और मेरे हिसाब से इसमें थोड़ा जल्दी समझ जाओगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो और जल्दी समझ जाओगे। कैसे, बिना ड्रॉ करे सर अगर मान लो हमें बनानी होती तो हम क्या करते,
सो देखो, बिना ड्रॉ करे अगर आपको बनानी होती ना, तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है मेरे हिसाब से, आपको यहाँ से दिख रहा होगा। और क्योंकि हमने इसकी आरएस बना रखी है, तो रेफरेंस के लिए आप इनको कंसिडर करोगे, जिससे कि आपको ये ट्रिक और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो सुनना ध्यान से, ओ पे माइनस चार्ज है, सुनना। अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर मैं ओ पे माइनस रखूँ तो कितनी आरएस आ सकती है। सो दो आरएस आएगी, एक बेंजीन का अरेंजमेंट ये होगा और एक बेंजीन का अरेंजमेंट ये वाला होगा। समझ में आ रहा है? ध्यान से सुनना, ये तभी समझ में आएगा आपको, अदरवाइज़ तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आया, ऊपर से जाएगा। इसका मतलब कि मैं यहाँ दो लिख सकता हूँ, कि अगर मैं ऑक्सीजन पर नेगेटिव लेके आता हूँ तो हमारे पास दो टाइप ऑफ आरएस बनेगी। उसके बाद तो बहुत ही सिंपल है। क्या देखो, अगर बाहर डबल बॉन्ड आ गया तो क्या ये जो रिंग आपको दिख रही है, क्या ये कभी एरोमेटिक हो सकती है? किसी भी केस में ये एरोमेटिक नहीं हो सकती। सो एक यहाँ से बनेगा, एक यहाँ से बनेगा, एक यहाँ से बनेगा। सो टोटल नंबर ऑफ आरएस इज 5, 3+2 इज 5। कह सकते हैं बहुत इजी है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन है। ऐसा कोई भी ट्रिक, कोई भी मेथड नहीं बनाया गया है, कि एक नया ही मेथड बना दिया गया है जो कि किसी को भी नहीं पता होगा। ये सिर्फ एक और सिर्फ ऑब्जर्वेशन है, ऐसा कुछ भी इसमें नया नहीं है। अगर आपने ये ऑब्जर्वेशन बहुत पहले ही नोटिस कर लिया तो और ही बढ़िया है, लेकिन अगर आपने नोटिस नहीं करा है तो इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसको जो है वो क्या कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल सा मेथड है, बड़े एग्जांपल्स में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, इसीलिए मैंने आपको यहीं बता दिया। फोर्थ एग्जांपल देखे ध्यान से, फोर्थ एग्जांपल अच्छा एग्जांपल है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। एंड यहाँ पे हमारे पास में कुछ इस तरीके से, और मेरे हिसाब से आपको ऊपर वाला दिख जाएगा, यहाँ OH है और यहाँ अगर मैं इसकी रिएक्शन NaOH के साथ कराता हूँ, सो एसिड बेस रिएक्शन हो करके आपको पता है कि किस कुछ इस तरीके का एक सॉल्ट बन जाएगा। सही, यहाँ O पे माइनस चार्ज आ जाएगा, यहाँ Na आ जाएगा, Na पे प्लस चार्ज। इसका हमें आरएस बनाना है। सो बहुत ही सिंपल सा है, सबसे पहले हम लोग आरएस ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा केस हमने अभी तक नहीं डिस्कस किया है, तो वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सो बहुत सिंपल सा तरीका है, कुछ इस तरीके का हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं इसको। यहाँ डबल आ जाएगा, यहाँ ओ पे माइनस आ गया। सही है, तो ऐसे टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करने के लिए आपको क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं, वो इंपॉर्टेंट है। सो सुने ध्यान से, किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये वाला जो नेगेटिव है, ये यहाँ बॉन्ड बनाएगा। मैं इसका भी एक शॉर्ट तरीका बताऊंगा जिसको यूज़ करके आप बना सकते हो। सो अगला जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, तो इस पहली वाली रिंग में तो बेंजीन में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाएगा, बिल्कुल सही है। अब जैसे ही यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये पाई बॉन्ड यहाँ मूव कर जाएगा, सो यहाँ नेगेटिव आएगा और यहाँ आपके पास में डबल बॉन्ड आएगा। सही है, फिर से अगर हम बात करें कि ये वाला नेगेटिव सर यहाँ बन जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ नेगेटिव क्रिएट करेगा, सो अगली जो स्ट्रक्चर है वो ध्यान से देखेंगे आप लोग। मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे वैसे आप भी ड्रॉ करने की कोशिश करें, सो आपको बहुत अच्छे से क्लियरिटी मिलेगी। सही है, क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है? फिर से देखें ध्यान से, ये नेगेटिव यहाँ पाई बॉन्ड बनाएगा और ये वाला जो पाई बॉन्ड है वो यहाँ पे नेगेटिव का फॉर्मेशन करेगा। सो जो अगली स्ट्रक्चर आएगी वो हमारे पास कुछ ऐसी सी स्ट्रक्चर बनेगी, कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ चुका होगा और यहाँ डबल आ चुका होगा, यहाँ डबल आ चुका होगा, यहाँ डबल बॉन्ड हो, फिर यहाँ डबल, फिर यहाँ डबल। समझ में आया कि नहीं है? सो अगली स्ट्रक्चर अगर हम बात करें, ये नेगेटिव यहाँ और ये पाई बॉन्ड यहाँ मूव करेगा, सो अगली स्ट्रक्चर हम लोग कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। इट इज़ वेरी इजी, है ना, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ डबल, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ डबल आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड हो, फिर यहाँ डबल, फिर यहाँ डबल, करेक्ट है। फिर अगला अगर हम बात करें, सो ये नेगेटिव यहाँ बनाएगा और ये पाई बॉन्ड टूट करके यहाँ बनाएगा, सो जो अगली स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी। सो देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपको कहाँ कहाँ पाई बॉन्ड मिलेगा, ये पाई बॉन्ड्स तो फिक्स हैं, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, करेक्ट है। एक पाई बॉन्ड यहाँ क्रिएट हो चुका होगा, अब यहाँ पे माइनस आ चुका होगा। अब इम्पॉर्टेंट है, देखो, जब नेगेटिव, अभी तक हमने जितने भी आरएस बनाई है उनमें किसी में भी आरएस के अंदर नेगेटिव जंक्शन पॉइंट पर नहीं आया। जंक्शन पॉइंट का मीनिंग क्या होता है, कि हमारे पास में एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से हम नेगेटिव को दो अलग अलग रास्तों में भेज सकते हैं। अभी तक जहाँ से हमने स्टार्ट किया वो एक ही रास्ते से चलता आ रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हमारे पास में क्या है, एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से ये दो अलग अलग रास्तों में जा सकता है। कहाँ से जा सकता है, तो देखो, एक ये नेगेटिव ऊपर जा सकता है और ये एक नेगेटिव इधर जा सकता है। अब मूर्खता मत करना कि सर ये मैं वापस यहाँ से भेज दूँ, तो समझ में आ रहा है? तो इतना भी बुद्धू नहीं बनना है आपको कि आपका फिर गेम हो जाए पेपर के अंदर।
तो देखो एक नेगेटिव आप यहाँ बना सकते हो और ये यहाँ चला जाएगा। सो मैं अगली स्ट्रक्चर यहाँ बना रहा हूँ, सही है? मेरे हिसाब से सभी को दिख रहा होगा अच्छे से, जो जो मैं बातें बोल रहा हूँ उनको ध्यान से सुनेंगे आप लोग, और जिन्होंने ड्रॉ कराया वही समझ पाएंगे, बिना ड्रॉ करे आप बिल्कुल भी इन चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए मैंने इतना टाइम दिया था, इसीलिए मैंने आपको पहले भी बोला था कि आप ड्रॉ जरूर करके आएंगे, अदरवाइज आप इसको अटेंड ना करें। सो यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ डबल आएगा, यहाँ डबल आएगा, ध्यान से देखें आप लोग, अरेंजमेंट चेंज हो चुका है, सही है? चलो अगला देखें, यहाँ हमारे पास एक और पॉसिबिलिटी है कि ये नेगेटिव यहाँ मूव करे और ये नेगेटिव डबल बॉन्ड यहाँ नेगेटिव फॉर्म करे। तो देखें अगला जो बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ डबल, यहाँ डबल और यहाँ डबल, यहाँ नेगेटिव आएगा एंड यहाँ हमारे पास में डबल बॉन्ड ओ ही रहेगा और ये इस तरीके से आएगा। फर्दर अगर हम बात करें, ये नेगेटिव यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा और ये इस तरीके से बन जाएगा एंड जो अगली स्ट्रक्चर आएगी हमारे पास में वो कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर बनेगी कि यहाँ डबल, यहाँ डबल और यहाँ डबल आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड ओ, फिर यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ डबल आ चुका होगा, ये नेगेटिव यहाँ पाई बॉन्ड बनाएगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो चुका होगा। मैं जगह रखने के लिए इसको नीचे बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि मैं आपको एक ट्रिक भी समझा सकूँ, है ना? तो यहाँ डबल और यहाँ डबल आएगा, सही है क्या? और यहाँ आ जाएगा ऊपर माइनस चार्ज और यहाँ पे एक और थोड़ा सा ध्यान से देखो कहाँ कहाँ डबल बॉन्ड आ रहा है, सॉरी एक डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, सही से बना देते हैं, एक डबल बॉन्ड यहाँ जाए। सो पहले हम लोग काउंट कर लेते हैं कि कितने स्ट्रक्चर हमने बना लिए। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सो टोटल RS इज 10। अब मैंने आपको सब जगह जहाँ जहाँ आप गलती कर सकते हैं वो सब मैंने बता दिया, फिर भी गलती करते हो तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान से चीज़ों को समझे, सुने चार बार नहीं समझ में आ रहा तो सही है, इम्पॉर्टेंट है प्रैक्टिस करें, 50 बार प्रैक्टिस करोगे इजीली समझ में आ जाएगा, इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस है। तो एक तो ये तरीका हुआ कि सर हम ये ड्रॉ कर लेंगे, सबसे पहला ड्रॉ करें, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सीधे डायरेक्ट ही हम ट्रिक पे जंप कर रहे हैं और फिर हम वो क्वेश्चंस तो कर ले रहे हैं जो हमें किस क्लास में करवाए गए हैं, जो आपने यहाँ पे वीडियो में देखा है, फिर दूसरे नए क्वेश्चंस में तो वो ट्रिक अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, क्यों? क्योंकि वो खुद से तो कर ही नहीं है, है ना, टीचर ने आपको बताया वो सब चीज़ें और उस एग्जांपल पर कैसे लगानी है वो बताया। ये ध्यान रखना, ये मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट होता है लेकिन मोस्ट ईजीएस्ट पार्ट होता है। डिफ़िकल्ट तब होगा जब आप खुद से ड्रॉ नहीं करेंगे, ईजीएस्ट तब होगा जब आप खुद से ड्रॉ करना सीख जाओगे, सही है? चलो सुने ध्यान से, आजकल क्या लोगों को बहुत इंस्टेंट चीज़ें चाहिए होती है, सर इंस्टेंट आना चाहिए, 15 सेकंड के अंदर हमें आंसर पता होना हो जाना चाहिए और 15 सेकंड में हम आंसर कर लें, ऐसे जी क्रैक नहीं होती है ना, 15 सेकंड में कुछ नहीं होता। तो देखो मैं आपको तरीका बता दूँ, बहुत सारे तरीके हैं उनमें से मैं ये तरीका यूज़ कर रहा हूँ, सही है? सो तो सुने ध्यान से आप लोग, ये हमारे पास में बॉन्ड अरेंजमेंट है ओ पे माइनस चार्ज। इवन आप इसका एक ऑब्जर्वेशन एक और तरीका बना सकते हो, यहाँ का जो मैंने ऑब्जर्वेशन बताया वो थोड़ा अलग था, इसका एक नया ऑब्जर्वेशन बन सकता है, वो एक अलग ऑब्जर्वेशन है, सुनना ध्यान से कैसे। मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ ऑक्सीजन पर नेगेटिव होगा तो टोटल कितनी RS बनेगी, सो ऑक्सीजन पर जब नेगेटिव होगा तो एक ये बन रही है, एक ये बन रही है और एक ये बन रही है, तीन RS बन रही है। अब आप इसको तब कनेक्ट कर पाओगे जब आपको ये क्लियर होना चाहिए कि नेफ्थलीन की तीन RS बनती है, सही है? ऑक्सीजन पर अगर नेगेटिव है इसका मतलब दोनों रिंग बेंजीनोइड हो सकती है, अगर ऑक्सीजन पर नेगेटिव नहीं है और ऑक्सीजन पर डबल बॉन्ड है तो फिर दोनों रिंग बेंजीनोइड नहीं हो सकती, फिर उसमें से कोई एक बेंजीनोइड होगी, समझ में आ रहा है? ऊपर से जा रहा हो तो बिल्कुल मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ, आप प्रैक्टिस करें, बिना प्रैक्टिस अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कोई काम का नहीं है। सो मैं एक तरीका ये बताता हूँ कि देखो पहली स्ट्रक्चर मैं इसके ऑब्जर्वेशन से एक दूसरा मेथड बता रहा हूँ आपको, सुनना ध्यान से, क्या पहली स्ट्रक्चर हमने यहाँ बनाई, दूसरी स्ट्रक्चर हमने यहाँ बनाई, फिर सोचो यहाँ नेगेटिव आया हो तो वो डबल बॉन्ड यहाँ बनाएगा, ये वाला आउट करके यहाँ आएगा तो तीसरी स्ट्रक्चर यहाँ बन रही है। मैं इसीलिए बना के आपको ट्रिक समझा रहा हूँ, अदरवाइज ट्रिक में बहुत इजीली मैं आंसर बता सकता था, सही है? तो मैं सारे आंसर नहीं करने वाला, ऐसे सारी स्ट्रक्चर नहीं बनाने वाला। सो थ्री यहाँ पे आ जाएगा, फोर्थ स्ट्रक्चर यहाँ बनेगी, फिफ्थ, फिर सिक्स देखो जंक्शन आ गया, सिक्स के बाद ऊपर चलेंगे तो सेवन आ जाएगा,
सही है, फिर 6 के बाद में नीचे चलेंगे तो 8 आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा आपके पास में 9, और फिर यहाँ आ जाएगा 10। क्या बहुत इजी सी ट्रिक है, ट्रिक नहीं है, ऑब्जर्वेशन है, सिंपल सा ऑब्जर्वेशन जो आप खुद देख सकते हो। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा कोई नहीं कर दिया गया है कि मैंने एक नया ही तरीका ढूंढ लिया, ये सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन है। 50 एग्जाम्पल सॉल्व करोगे खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कैसे करना। एक ये तरीका है, दूसरा तरीका मैं आपको और बता सकता हूँ, वो थोड़ा सा सिंपल है, लेकिन उसके लिए आपको एक रेफरेंस स्ट्रक्चर मान के चलनी पड़ेगी। आप ये याद रखेंगे कि जो नेफ्थलीन होता है उसकी 3 बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर होती है। तो मैंने आपको जैसे बताया कि ऑक्सीजन पर अगर नेगेटिव चार्ज है, सो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है तो दोनों जो रिंग है वो बेंजीनॉइड हो सकती है। इसका मतलब पूरा सिस्टम नेफ्थलीन की तरह वर्क करेगा। तो देखो ध्यान से, जब नेफ्थलीन की 3 स्ट्रक्चर आएगी, अगर नेगेटिव यहाँ आएगा तो ये रिंग बेंजीनॉइड नहीं होगी, ये बेंजीन जो है वो बेंजीनॉइड की तरह काम कर सकती है। तो अगर नेगेटिव यहाँ आएगा तो इसको आप दो पैटर्न में लिख सकते हो, एक बॉन्ड अरेंजमेंट ये होगा, दूसरा बॉन्ड अरेंजमेंट ये बॉन्ड उधर चला जाएगा। सही है, फिर से अगर यहाँ पे नेगेटिव रखोगे तो अभी भी ये बेंजीनॉइड ही रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। सो देखो इसमें भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर जब नेगेटिव यहाँ आएगा, ना ये रिंग बेंजीनॉइड होगी ना ये रिंग बेंजीनॉइड होगी, अब कोई बेंजीनॉइड नहीं है तो ये सेपरेट स्ट्रक्चर काउंट होगी। तो 1 2 3, सो देखो 3 + 2 + 2 1 1 1, सो आंसर इज 10। कर सकते हैं क्या? इट इज़ वेरी इजी, सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है, खुद ब खुद सब चीज़ें समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले ड्रॉ करो, फिर ये तरीका यूज़ करो, आपको धीरे धीरे खुद ब खुद समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा कि कैसे चीज़ें वर्क कर रही है। सही है, सो अब जगह जो है वो पूरी हो चुकी है, आप इसको नोट कर लें अच्छे से, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। अच्छा, इस पैटर्न पर मैं दूसरे क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, एक ही क्वेश्चन का हम लोग करेंगे जो कि एंथ्रासीन वाला होगा, मैं इस पैटर्न से उसको सॉल्व करने वाला हूँ। सही है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। सो फटाफट से इसको नोट करो, फिर हम आगे मूव करते हैं। चलिए अब हम आगे मूव करते हैं और एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, और ये जो एग्ज़ाम्पल है वो कुछ सिमिलर सा ही है अभी जो हमने किया था, बिल्कुल बेसिक सा एग्ज़ाम्पल है, हमें ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ हमने OH लगा रखा है एंड यहाँ कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। इसके रिएक्शन हमने किसके साथ करा रखी है, NaOH के साथ, सो बहुत ही क्लियर है। NaOH के साथ जब ये रिएक्शन करेगा, सो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। O पे माइनस चार्ज, Na पे क्या आएगा बताओ, प्लस चार्ज, करेक्ट। एंड फिर अगर हम बात करें कि इसकी RS कैसे ड्रॉ करी जाएगी, सो सुनना ध्यान से। सो ये डबल 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 O पे माइनस चार्ज, सो क्या पहले हम लोग ड्रॉ कर लें या फिर सीधा डायरेक्ट मेथड बता दूं आपको? चलो ड्रॉ करके बता देता हूँ मैं आपको कितनी बनेगी, अदरवाइज फिर कहोगे सर 3 रिंग में हम लोग फिर क्या करेंगे। चलो 3 रिंग का भी हम लोग कर लेते हैं। सो ये नेगेटिव, मैं थोड़ा इजी फटाफट बना रहा हूँ, ये नेगेटिव यहाँ मूव करेगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ मूव कर जाएगा। सही है, या थोड़ा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है यार ये, कि इसको बार बार बनाते रहो, कि यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ डबल आएगा, इसका जो अगला स्ट्रक्चर आएगा वो कुछ ऐसा सा दिखेगा। ध्यान रखना मैं अगला क्वेश्चन नहीं करने वाला, वो खुद ब खुद करोगे। ये नेगेटिव यहाँ मूव करेगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ मूव करेगा, सो नेगेटिव यहाँ, डबल यहाँ, डबल बॉन्ड। सही है क्या? मेरे साथ साथ ड्रॉ करते रहें, ड्रॉ नहीं करा तो ये यहाँ मूव कर जाएगा, ये यहाँ मूव कर जाएगा, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। ये डबल 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 और यहाँ नेगेटिव डबल 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 डबल, सॉरी गलत बना दिया, डबल 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 ऑक्सीजन, और फिर ये नेगेटिव यहाँ बनाएगा डबल बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड को यहाँ से जाना पड़ेगा, और अगला जो स्ट्रक्चर आपके सामने आने वाला है वो कुछ इस तरीके का है। यहाँ आ जाएगा मेरे भाई डबल डबल नेगेटिव, यहाँ डबल यहाँ डबल, यहाँ डबल यहाँ डबल, डबल डबल ज़ीरो ऑक्सीजन। सही है क्या? सब जल्दी से बना लेंगे आप लोग, आप चाहो तो इसको फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो, बट करना मत, क्योंकि अगर करना होता तो मैं ही कर देता। सही है क्या? सो देखो ये नेगेटिव ये यहाँ मूव करेगा, सो नेगेटिव अब की बार यहाँ डबल, फिर यहाँ आ जाएगा डबल डबल डबल, ये भी डबल ये भी डबल, और ये डबल ऑक्सीजन,
ये यहाँ मूव करेगा और ये डबल। अब देखो इंटरेस्टिंग पॉइंट है, अब स्किप मत कर देना, पता चला कि स्किप हो गया। सुने ध्यान से, सो यहाँ डबल आ चुका होगा, यहाँ डबल आ चुका होगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज है और यहाँ डबल है, यहाँ डबल है, यहाँ पे भी डबल है और यहाँ पे भी डबल है, यहाँ सॉरी कुछ गड़बड़ बना दिया गया है, सॉरी सॉरी, यहाँ डबल आ जाएगा, सही है क्या? और ये वाला डबल यहाँ आ जाएगा। अब देखो ध्यान से कि ये वाला नेगेटिव यहाँ जा सकता है, ये फिर से जंक्शन पर आ चुका है, और अगर ये फिर से जंक्शन पर आ चुका है तो हमें यहाँ पे दो अलग अलग रास्ते मिलेंगे, और हम दोनों अलग अलग रास्तों पे चल के देखेंगे कि हमारे लिए कौन सा सही है। सो देखें ध्यान से, अगला जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा सा बनेगा, यहाँ डबल, यहाँ डबल, यहाँ पे भी डबल, ये आगे मूव कर जाएगा, मैं पहले ऊपर वाला कंप्लीट कर रहा हूँ, और यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ डबल है, यहाँ पे भी डबल है, और यहाँ, और यहाँ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, फिर से जंक्शन पे आ गए हम लोग। अभी तो सर जंक्शन से निकले थे, फिर जंक्शन पे आ गए, यहीं एक रास्ता कंप्लीट नहीं हुआ तो दूसरा रास्ते में दूसरा रास्ता आ गया, सही है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, हम इसका भी इलाज कर लेंगे और ये इसका एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, क्योंकि हम पहले ऊपर वाले को कवर करेंगे, सही है क्या? और ध्यान से देखें, बहुत सिंपल सा है, यहाँ डबल, यहाँ डबल, यहाँ डबल आ चुका होगा, यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ चुका होगा, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, सही है। अगला, अगर ये यहाँ चला जाए, सो अगली स्ट्रक्चर क्या बनेगी? कुछ लोग तो इनको देख के भाग चुके होंगे, इतना कौन करेगा? यहाँ डबल, ये डबल यहाँ नेगेटिव बनाएगा, यहाँ डबल आ चुका होगा, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा, ये यहाँ मूव करेगा, ये यहाँ मूव करेगा, एंड इसकी अगली जो स्ट्रक्चर बनेगी वो कुछ ऐसी सी बनेगी, ये डबल, ये डबल, डबल 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 नेगेटिव डबल ऑक्सीजन, फिर ये आगे मूव करेगा तो कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर बनाएगा, सही है। डबल डबल, फिर डबल डबल, फिर डबल 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 ऑक्सीजन पे माइनस, फिर से देखो ऑक्सीजन पे माइनस आ चुका है। अब हम ये वाला कवर करते हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव वापस इस तरीके से बनाएगा डबल बॉन्ड, सो अगली जो स्ट्रक्चर बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी, डबल डबल, फिर यहाँ डबल आ चुका होगा, और फिर ये यहाँ से मूव कर जाएगा, सो यहाँ नेगेटिव आएगा, एंड यहाँ ऑलरेडी डबल है, ये यहाँ डबल है, और यहाँ डबल है, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये नेगेटिव यहाँ मूव करेगा, एंड ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ चला जाएगा, सही है। एंड फिर अगर हम बात करेंगे, सो अगली स्ट्रक्चर जो आएगी वो कुछ ऐसी आएगी, तो ये डबल, ये डबल डबल, फिर डबल, फिर डबल, फिर यहाँ माइनस, फिर डबल, फिर डबल ऑक्सीजन, ये नेगेटिव यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा, ये यहाँ मूव करेगा, सो अगली स्ट्रक्चर जो दिखेगी आपको वो कुछ ऐसी सी दिखेगी, यहाँ डबल डबल, फिर डबल, फिर डबल, फिर डबल, फिर यहाँ माइनस, फिर यहाँ डबल, फिर यहाँ डबल ऑक्सीजन, और फिर आप इसमें क्या कर सकते हो, मैं ऊपर बना देता हूँ, ये यहाँ मूव करेगा और ये यहाँ मूव कर जाएगा, सो फिर से एक और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो मेरे हिसाब से अब आप इतने समझदार हो चुके हैं कि आप इजीली ऑब्जर्वेशन देख लेंगे, देख लोगे करें, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, सही है। तो ये हमारे पास में टोटल स्ट्रक्चर आ चुकी है, काउंट कर लेते हैं एक बार के लिए, कितनी टोटल हमारे पास में कितने हैं, टोटल हमारे पास में 16 है, 16 ही बन रही है, कोई ज़्यादा हम लोगों ने ज़्यादा और कम नहीं बनाया, सही है। सो टोटल 16 आंसर आएगा इसका, अब टोटल 16 आंसर हम बनाते बनाते बहुत ज़्यादा थक जाएंगे, सही है। सो हम एक नया तरीका जो है वो यूज़ करने वाले हैं, नया तरीका तो क्या है, अभी अभी हमने सीखा ये वही है। सो देखो एक तरीका जो कि इन स्ट्रक्चर्स को देख करके हम बना सकते हैं, बहुत सिंपल सा तरीका है, सुनना ध्यान से, ओ पे आ रहा है माइनस चार्ज, सही है। अगर ओ पे माइनस चार्ज है और कुछ ऐसा सा अरेंजमेंट हमने बनाया, तो देखो पहली स्ट्रक्चर यहाँ बनेगी, दूसरी स्ट्रक्चर यहाँ बनेगी, तीसरी स्ट्रक्चर यहाँ बनेगी, एंड फोर्थ स्ट्रक्चर यहाँ बनेगी, एंड फिफ्थ स्ट्रक्चर यहाँ बनेगी, सिक्स्थ स्ट्रक्चर यहाँ बनेगी, सेवन्थ स्ट्रक्चर कहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी। सो देखो सेवन्थ स्ट्रक्चर जैसे यहाँ बनी, जंक्शन आ गया,
अब सेवन्थ के बाद में हम लोग एट कहाँ बनाएंगे, तो ये नेगेटिव यहाँ मूव करेगा तो ये यहाँ आ जाएगा, तो सेवन के बाद में एट यहाँ बनेगा, सही है। एट के बाद में हम ऊपर चलेंगे तो नाइन आ जाएगा, फिर हम नीचे चलेंगे तो यहाँ आ जाएगा टेन, फिर यहाँ आ जाएगा एलेवन, सही है, फिर यहाँ आ जाएगा ट्वेल्व, दिख रहा है आपको। फिर ये कंप्लीट हो गया, फिर हम यहाँ वापस आते हैं तो सेवन के बाद में यहाँ से अगर हम देखें, सही है, सेवन के बाद जब ये नेगेटिव यहाँ पाई बॉन्ड बना रहा होगा तो यहाँ वाला पाई बॉन्ड यहाँ मूव कर जाएगा। मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ, देखो ये वाला, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला, इसको ध्यान से देखो आप लोग, इसको ध्यान से देखोगे तो जब हम ये नेगेटिव नीचे लेके आ रहे हैं, सो जब नेगेटिव नीचे आएगा तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, तो यानी कि हमारे पास में यहाँ बन जाएगा, सो टोटल 12 हो चुके हैं, तो यहाँ 13 हो जाएंगे, 13, फिर उसके बाद में ये नेगेटिव यहाँ पाई बॉन्ड बनाएगा, यहाँ वाला ऊपर चला जाएगा, 14, और यहाँ आ जाएगा 15, और यहाँ आ जाएगा 16। बहुत ईजी है, ईजीली आप बना सकते हैं, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होनी चाहिए। एंड अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो देखो, जब हम ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज रखेंगे, सो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज रखने पर आपको क्लियरली इसकी टोटल स्ट्रक्चर 4 मिलेगी। सो देखो 4 प्लस, यहाँ से अगर मैं नेगेटिव रखूँगा तो इन दो को बेंज यूनिट बनाया जा सकता है, तो इन दो को बेंज यूनिट बनाओगे तो यहाँ से 3 आएगा, क्योंकि नेफ्थलीन का 3 हो जाता है आरएस। फिर अगर मैं यहाँ पे भी रखूँगा तो भी ये दो बेंज यूनिट ही रहेंगी, सो प्लस फिर 3 आ जाएगा। लेकिन जब मैं यहाँ रखूँगा तो अब सिर्फ ये एक ही रिंग जो है वो बेंज यूनिट हो पाएगी, ये नहीं हो पाएगी, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन पर डबल बॉन्ड है ऑलरेडी, तो ये तो नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती, तो सिर्फ ये रहेगा, सो आंसर इज 2। फिर अगर हम आगे जाएंगे तो जैसे ही हम थर्ड वाली रिंग के अंदर जाएंगे, अब कोई बेंज यूनिट नहीं बनेगी, सो आंसर 111 आ जाएगा। सो 1 + 1 + 1 + 1, सो कितना हो जाएगा, 4 × 3 = 7, 7 × 3 = 10, 10 × 2 = 12, 12 × 4 = 16, 16 आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत ईजी है ट्रिक मेथड जो है वो, सिंपलेस्ट मेथड बोल सकते हो, ऑब्जर्वेशन बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, जो मर्जी आए आप लोग बोल सकते हो, लेकिन आपको ये ऑब्जर्वेशन तभी समझ में आएगा जब आपने ये स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करी है। अगर आप ये स्ट्रक्चर्स ड्रॉ नहीं करेंगे आपको ऑब्जर्वेशन नहीं समझ में आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं। अगला जो टाइप है वो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें हम लोग को बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर बनाना है। सो बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर में मैं आपको एंथ्रासीन के स्ट्रक्चर जो है वो बना के दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम इसकी टोटल 4 अरेंजमेंट बना सकते हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, सही है। सो फटाफट से इसको नोट करो, फिर हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर के बारे में। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि हमारे पास में आपको ये दिया गया था मैंने कि आपको बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर्स बनानी है जिसके अंदर आपको बेंजीन दे रखा था, नेफ्थलीन दे रखा था, एंथ्रासीन दे रखा था और फिनेथ्रालीन दे रखा था, सही है। मैं सिर्फ और सिर्फ एंथ्रासीन बना के बताऊंगा कि कैसे बनाना है आपको, सही है, सुने ध्यान से। वैसे मैंने शॉर्ट वीडियो के अंदर ये पूरा एक्सप्लेन करा हुआ है, आप लोग जा करके जो है वो देख सकते हैं। सो सुनना ध्यान से किस तरीके से आपको बनाना है बॉन्ड। इसमें हम लोग रोटेट नहीं करेंगे, नहीं तो घूमते ही रह जाओगे तुम लोग, ठीक है, चक्कर आ जाएंगे तुम लोग, तो इसीलिए हम इसमें बॉन्ड तो बिल्कुल भी रोटेट नहीं कराएंगे। चलो आप देखिए ध्यान से, इसके लिए रेफरेंस आपको क्या लेना है, आपको ये होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर बनानी है तो बेंजीन की दो स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करती है, इसको मैंने नाम दे दिया पी और इसको मैंने नाम दे दिया क्यू, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, अपना नाम दे दो बोले, सही है, वो मैटर नहीं करता, इंपॉर्टेंट है कि बेंजीन की दो स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करती है इस तरीके से। अगर मैं पहली वाली रिंग को पी बना दूं, सो देखें ध्यान से अगली वाली रिंग कुछ इस तरीके से बनेगी, सो अगली वाली रिंग कुछ इस तरीके से बनेगी, सो अगर मैं पहली वाली रिंग को P बना दूं, सो अगली वाली रिंग कुछ इस तरीके से बन जाएगी आप, सही है, तो इसको हमने P बना दिया, तो ये दोनों रिंग किसी भी तरीके से Q तो नहीं लग रही। हम क्या कर रहे हैं, हम पहली वाली रिंग को Q बना रहे हैं, सही है, हम पहली वाली रिंग को Q बना रहे हैं, सो अगला जो अरेंजमेंट आएगा वो ये आएगा, और मेरे हिसाब से आपको ये दिखना चाहिए कि ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये वाला, ये इधर भी तो काउंट हो रहा है, सो ये P भी तो बन रहा है, सही है। तो अगर मैं पहली वाली रिंग को Q कंसीडर करता हूँ तो सेकंड वाली रिंग अपने आप P हो जाती है, तो यानी ये P हो चुकी है, ये Q हो चुकी है, ये P हो चुकी है, मैं इसको Q बना देता हूँ, सो Q मैं अगर इसको बना रहा हूँ तो कुछ इस तरीके से आएगा,
तो अगर मैंने इसको Q बनाया तो ये अपने आप P हो चुकी है। ध्यान से देख लें आप लोग, सही है। अब क्योंकि बीच वाली भी P हो चुकी है, Q हो चुकी है, ये वाली P हो चुकी है, मैं इसको Q बना देता हूँ। क्या बहुत ईजी है क्या? इससे ईजी तो कुछ नहीं हो सकता, इससे ईजी तो क्या है कि फिर पढ़ाई छोड़ो। सही है, तो ये इस तरीके से हमारे पास में स्ट्रक्चर बन जाएगी। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे ये Q। सो देखो Q। सही है। सो इस तरीके से टोटल चार स्ट्रक्चर्स बनेगी। ये तरीका है इस तरीके को यूज़ करके, नेफ्थलीन और एंथ्रेसिन तो मैंने बना दिया, फिनेथ्रेलिन जो है वो आप लोग बना सकते हैं। नेफ्थलीन की जो है वो टोटल 3 स्ट्रक्चर आती है, फिनेथ्रेलिन की टोटल 5 स्ट्रक्चर्स आती है। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन आपको दिया गया था वो कुछ इस तरीके से था, pH 4C। मैं ये बना रहा हूँ, ठीक है। pH 4C की अगर हम बात करें तो ये जो है इसका किस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा। सो देखो इसको ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ मैं, इसको ड्रॉ करने में बहुत टाइम जाएगा। अब मैं सिर्फ और सिर्फ आपको मेथड बता रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन अगर आपको दिए गए हों तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सो आपको ये क्लियर होना चाहिए यहाँ पे कि ये जितने भी बेंजीन रिंग है, इन बेंजीन रिंग का आपस में कोई लेना देना नहीं है। ये इससे कुछ मतलब नहीं रखती, ये इससे कुछ मतलब नहीं रखती, यानी कि बेसिकली इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। अब अगर हम बात करें कि इनमें अगर मुझे RS बनाना है, तो देखो पर बेंजीन की अगर मैं RS की बात करूं तो 2 होती है। तो मैंने अगर इस बेंजीन रिंग को P बना दिया तो क्या इनको अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है? फिर मैं इसको Q बनाऊंगा तो फिर इसको अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है। सही है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये बहुत सिंपल सा तरीका है कि आप इसको 2n के फॉर्मेट में लिख सकते हो, यानी कि 2⁴। जितने भी यूनिट एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड नहीं, मतलब रिलेटिव नहीं है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो 2⁴, यानी कि आंसर आ जाएगा 16। सही है, टोटल कितना आ जाएगा? 16 आंसर आ जाएगा। तो देखो पहले अगर आप, मैं बता देता हूँ, कुछ लोग कहेंगे सर बताएंगे, तो अगर आप इसको पी बनाओगे तो इन रिंग को आप 8 तरीके से अरेंज कर सकते हो। पी 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 क्यू पी इस तरीके से कर सकते हो ना आप लोग, तो बहुत ईजी है, कर लेना आप लोग। फ्री टाइम होना आपके पास, टाइम पास करना हो, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करा करो, नींद भी नहीं आएगी, मज़ा भी आएगा, और जब आंसर सही हो जाएगा तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो एक एग्जांपल और दे रखा है, pH 3CH दे रखा है, उसका कैलकुलेट करके आप चेक करें कि क्या आंसर आएगा। फिर आपको एक और स्ट्रक्चर दे रखी थी, वो कौन सी स्ट्रक्चर है वो हम लोग चेक कर लेते हैं। जो आपको स्ट्रक्चर दे रखी थी इसके आगे वाला ये कर लेंगे आप लोग, मैं नहीं करा रहा ये आपको, है ना। अगर आप यही नहीं कर पा रहे होंगे, यहाँ शायद Cl था, AlCl3 की स्ट्रक्चर थी, मतलब रिएक्शन थी, और अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो फिर मतलब नहीं है कि आपने इतना जो वीडियो देखा है वो आपको फिर कुछ नहीं समझना है। तो इसको खुद से कर लेना, खुद से चेक कर लेना, आंसर आपको सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, वहाँ से आप लोग ज़रूर चेक करेंगे। इसी का अगला जो है वो भी बहुत ईजी है, वो आप आराम से कर सकते हैं। एक एग्जांपल अच्छा सा है, वो मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। ये वाला, इसकी रिएक्शन AlCl3 के साथ कराएंगे। सो क्या बनेगा, मैं डायरेक्ट मेथड यूज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखते हैं डायरेक्ट मेथड से बनता है कि नहीं बनता अपन से। यहाँ आएगा प्लस, सही है। तो जहाँ जहाँ स्ट्रक्चर, सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन कि देखो ध्यान से कि ये वाला जो प्लस है ये ऑलरेडी पहले से ही जंक्शन पर खड़ा है, ये इधर भी जा सकता है और उधर भी जा सकता है। तो सबसे पहले हम इधर वाला चेक कर लेते हैं। सो देखो ध्यान से, ये अगर पॉजिटिव यहाँ आता है तो पहली स्ट्रक्चर ये होगी, दूसरी स्ट्रक्चर ये होगी। सो पॉजिटिव यहाँ आया तो पॉजिटिव अगला यहाँ आएगा तो तीसरी स्ट्रक्चर ये होगी, आगे जाएगा तो चौथी स्ट्रक्चर ये होगी, इधर आएगा तो ये पांचवी स्ट्रक्चर हो जाएगी, इधर आएगा तो ये छठी स्ट्रक्चर हो जाएगी, और ऊपर जाएगा तो ये सातवीं स्ट्रक्चर होगी। कर लोगे क्या? तो फिर अगर सात यही होगी तो 7 और 7 14 हो जाएगी। क्या यार तुम लोग इतना तो कर सकते हो। तो इधर से देखो ध्यान से, यहाँ से अगर हम बात करें तो इधर भी तो जा सकते हैं, तो 7 के बाद में 8 स्ट्रक्चर यहाँ आ जाएगी, सॉरी 8 यहाँ आ जाएगा, 9 यहाँ आ जाएगा, एंड
10 यहाँ जाएगा एंड फिर आप आगे और चलो, 10 के बाद में क्या आ जाएगा, यहाँ 9 आएगा, यानी कि पॉजिटिव यहाँ आएगा और ये पॉजिटिव यहाँ जा सकता है और यहाँ भी जा सकता है, यानी कि ये आ जाएगा आपके पास, यहाँ चला जाएगा, देखो ध्यान से, तो ये 10 आ जाएगा इधर की तरफ, यानी कि पॉजिटिव यहाँ आया तो ये डबल बॉन्ड यहाँ मूव करेगा तो पॉजिटिव यहाँ क्रिएट हुआ, सही है। अब जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव क्रिएट हुआ तो ये वापस यहाँ पे भी जा सकता है, सो यानी कि वापस यहाँ जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 11 के बाद में यहाँ पे 12 और फिर उसके बाद में टोटल कितनी आ जाएगी हमारे पास, और यहाँ आ जाएगी 13, सो टोटल आ जाएगी इसकी 13 स्ट्रक्चर बनेगी, सही है, 14 स्ट्रक्चर नहीं बनेगी, आंसर इज 13, सही है। सो आप इस तरीके से कर सकते हैं, ये बहुत ही सिंपल सा तरीका है, मेरे हिसाब से आप लोग समझ चुके हैं कि ये स्ट्रक्चर जो है आपको मिलेगी, सही है। तो इस तरीके से कर सकते हैं आप, इसको बना भी सकते हैं, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन, करेक्ट है। सो अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ BR है और यहाँ हमने लिखा है इसकी रिएक्शन AgNO3 के साथ कराइए, किसके साथ, AgNO3 के साथ। अब मैंने अगर AgNO3 के साथ में इसकी रिएक्शन कराई है तो आपको क्लियर होना चाहिए कि प्रोडक्ट जो बनेगा वो कुछ ऐसा सा बनेगा, यहाँ प्लस आएगा, प्लस के साथ में यहाँ आपको क्या मिलेगा, यहाँ NO3 माइनस मिलेगा। अब आपको ये क्लियर होना चाहिए कि NO3 माइनस की स्ट्रक्चर कैसी होती है, सो NO3 माइनस की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है, N डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ O पे माइनस चार्ज, फिर यहाँ पे O पे माइनस चार्ज, इस नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज। एक्चुअली अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो आपके पास में NO3 माइनस होता है, ये जो NO3 माइनस है इसको आप कुछ इस तरीके से लिखते हो, ONO2 माइनस, है ना, जो नेगेटिव जो बॉन्ड बना रहा होता है वो कौन होता है, वो ऑक्सीजन होता है। सो देखो, यहाँ अगर पॉजिटिव आया तो NO3 की 3 स्ट्रक्चर बनेगी, यहाँ अगर पॉजिटिव आया तो NO3 की 3 स्ट्रक्चर बनेगी, और यहाँ अगर पॉजिटिव आया तो NO3 की 3 स्ट्रक्चर बनेगी, सो टोटल स्ट्रक्चर इज इक्वल टू 9, कर सकते हैं इस तरीके से, आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, और शायद एक और एग्जांपल हमारे पास में बाकी रह गया था, PH3CCl, है ना, PH3CCl, इसकी रिएक्शन अगर हम एनहाइड्रस ले सकते ना, AlCl3 के साथ करा रहे हो, तो AlCl3 के साथ में हम लोग इसको करा रहे हैं, सो आपको आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा pH, फिर यहाँ पे आएगा C पे पॉजिटिव चार्ज, और ये pH कितने हैं, 3 pH है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसके टोटल आंसर कितने आएंगे वो हम लोग डिस्कस करते हैं। सो देखो ध्यान से, हमारे पास में कुछ ऐसी स्ट्रक्चर है कि यहाँ पे 3 बेंजीन होंगे हमारे पास, एक बेंजीन, दूसरा बेंजीन, तीसरा बेंजीन, और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। सुनना ध्यान से, इम्पॉर्टेंट है, देखो अगर इस कार्बन पर पॉजिटिव रखा हुआ हो, पॉजिटिव को हमें बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, तो इन 3 रिंग को हम 8 तरीके से लिख सकते हैं, अभी अभी हमने देखा था, सही है, कितने तरीके से लिख सकते हैं, 8 तरीके से लिख सकते हैं, तो 8 तो ये हो जाएंगे हमारे पास। प्लस अगर हम बात करें नेक्स्ट आगे, अगर मैं इस पॉजिटिव को यहाँ पे लेके आता हूँ, सही है, तो इसके कितनी बन जाएगी हमारे पास, इसकी टोटल 4 स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे, एंड फिर ये आगे आएगा तो इसकी टोटल 4 आ जाएगी, फिर ये और आगे जाएगा तो इसकी टोटल कितनी आ जाएगी, मतलब कि अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो ना, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा और यहाँ आएगा, तो 3 तरीके से आएगी, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तो टोटल ये जो स्ट्रक्चर्स बनेंगी वो किस फॉर्मेट में बन जाएगी, अगर मैं यहाँ पॉजिटिव रखूँगा तो इन दोनों की कितनी कितनी बनेगी, 4 बनेगी, अगर मैं यहाँ पॉजिटिव रखूँगा तो इन दोनों की कितनी बनेगी, फिर 4 बनेगी, अगर मैं यहाँ रखूँगा तो इन दोनों की क्या बनेगी, 4 बनेगी, ऐसा का ऐसा इसके लिए आएगा, मैं यहाँ रखूँगा तो फिर से इन दोनों की 4 बनेगी, मैं यहाँ रखूँगा पॉजिटिव चार्ज तो फिर से इन दोनों की 4 बनेगी, मैं यहाँ रखूँगा पॉजिटिव चार्ज तो फिर से इन दोनों की 4 बनेगी, ऊपर से जा रहा है बाउंसर एकदम, मैं वापस समझा देता हूँ, सुनो ध्यान से, देखो इस क्वेश्चन के लिए एक इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहीं कार्बन पर ही रहता है तो इन रिंग को हम 8 अलग अलग तरीके के अरेंजमेंट में रख सकते हैं, PQP PPP PPQ, इस तरीके से रख सकते हैं ना आराम से, तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से यहाँ तक। अगर इस पॉजिटिव को मैं यहाँ रख दूँ, सिंपल सी बात है ना, रिंग में जाएगा पॉजिटिव चार्ज,
पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाए, मैं थोड़ा सा बड़ा डॉट बना देता हूँ जिससे अच्छे से दिख जाएगा, सही है। अगर यहाँ पॉजिटिव आएगा तो इन दो रिंग को मैं चार तरीके से लिख सकता हूँ, पी पी, पी क्यू, क्यू पी, क्यू क्यू, इस तरीके से लिख सकता हूँ। सिमिलर ऐसा है, अगर मैं पॉजिटिव यहाँ रखूँ तो फिर इन दो को चार तरीके से लिखा जा सकता है, फिर मैं पॉजिटिव यहाँ रखूँगा तो फिर इनको चार तरीके से लिखा जा सकता है। तो एक ही रिंग से मुझे 12 स्ट्रक्चर्स मिल रही है, समझ में आ रहा है, एक ही स्ट्रक्चर से मुझे 12 स्ट्रक्चर्स मिल रही है, सही है। सिमिलर जब ये पॉजिटिव इस रिंग में जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, तो फिर इनको चार अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है। यहाँ आएगा तो फिर इनको चार अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है, यहाँ आएगा तो फिर इनको चार अलग तरीके से लिखा जा सकता है, फिर ऐसा ऐसा इसके अंदर होगा। तो ध्यान से देखो टोटल कितने हो जाएंगे, 4 × 3, आंसर इज 12, और एक ही स्ट्रक्चर से 12 ही है, तो टोटल कितनी है हमारे पास में, 3 है, तो 12 × क्या कर देंगे, 3, सो ये आ जाएगा हमारे पास, और ये आ जाएगा 8 + 36, और ये आ जाएगा 44, तो टोटल इसके कितनी स्ट्रक्चर बनी, 44 स्ट्रक्चर्स बनती है। तो सोचो 44 स्ट्रक्चर ड्रॉ करने बैठ जाओ तो पेपर में हालत ख़राब हो जाएगा आपकी, सही है। तो इसीलिए कुछ तरीके आपको यूज़ करने होते हैं आरएस को ड्रॉ करने के लिए। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा, एंड मैं आपको ये क्लियरली बता देता हूँ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो सारे क्वेश्चन हैं ये एसकेएम सर के क्वेश्चन हैं, मतलब एसकेएम सर ने अपनी क्लासेस में डिस्कस कर रहे होंगे, अगर आप एसकेएम सर के स्टूडेंट हैं तो बहुत ही बढ़िया है, सही है। मैं भी एसकेएम सर का स्टूडेंट हूँ, और आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, सही है। एंड अगर आपके पास में और कोई क्वेश्चन हो रेजोनेंस से रिलेटेड, आपको लगता है कि इसमें और अच्छे तरीके से एक नया कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया जा सकता है, या फिर इसमें और नई जो है वो आरएस बनाई जा सकती है, मतलब नंबर जो है ज़्यादा हो सकते हैं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं। सो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम ये चेक करेंगे कि हम आरएस की स्टेबिलिटी को कैसे चेक कर सकते हैं, और फिर फाइनली हम लोग हाइपर कंजुगेशन पर मूव करेंगे। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जीओसी का अगला लेक्चर। एंड प्लीज़ इन लेक्चर्स को जरूर अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करें, ऐसा कंटेंट आपको यूजुअली नहीं मिलता होगा। एंड अगर आपको लगता है सच में कि हाँ बहुत अच्छा कंटेंट आपको दिया गया है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।